वेल, करणवीर बोहरा ने रिवील किए हैं अपने टॉप फोर फाइनलिस्ट, और आखिर कौन हो सकते हैं लॉकअप के टॉप फोर फाइनलिस्ट, इसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं करणवीर बोहरा, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी करने। करणवीर ने अपने ट्विटर पर एक पोल अपलोड किया है, एक पोल डाला हुआ है जहाँ पे कहते हैं सारे कैदियों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप फिनाले वीक में आए और बेस्ट मैन या बेस्ट वुमेन जीते, यही हम चाहेंगे। एंड पोल के लिए सिर्फ चार ही लोगों के लिए जगह है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि चार लोगों का नाम वहाँ पे लिख दिया है और बाकी लोगों के नाम के लिए उन्होंने लाइक और रीट्वीट का इस्तेमाल किया, और उसी के ज़रिए उनके टॉप फोर आखिर कौन है वो भी कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉप फोर में यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले पायल का नाम लिखा है, फिर उसके बाद मुनव्वर का लिखा है, फिर शिवम का, और फिर उन्होंने आजमा का नाम लिखा है। इन चार लोगों का उन्होंने यहाँ पे नाम लिखा है, बाकी लोगों के लिए लिखते हैं कि बिकॉज पोल के लिए सिर्फ चार ही ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए प्रिंस के लिए आप लाइक कीजिए, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन रीट्वीट के लिए उन्होंने एक रीट्वीट का बटन है, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अंजलि, सायशा या पूनम में से कोई जीती है तो आप रीट्वीट करो। इससे काफ़ी क्लियर दिखाई देता है कि उनके नज़र में वो सायशा, पूनम और अंजलि को कंपटीशन कहीं पे भी मानते नहीं हैं फॉर टॉप फोर या फिर फॉर द ट्रॉफी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे टॉप फोर में नाम पायल का, मुनव्वर का, शिवम और आजमा का लिखा है, लाइक के लिए प्रिंस का, और रीट्वीट के लिए तीन नाम लिखे हैं, पूनम, सायशा और अंजलि। आप इस चीज़ से कितना अग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो, जिस तरीके से केवी ने बोला है कि यू नो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि भाई कंपटीशन में दूर दूर तक सायशा, पूनम और अंजलि नहीं है। आपका टेक, आपका ओपिनियन, आपका रिएक्शन कॉमेंट्स में लिखना मत भूलिए। मिलती हूँ थोड़ी देर में, अपना ख्याल रखिए।